हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडक्ट रैपर चैनल। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ, कैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, मेरी सोच उसके पीछे क्या है और उसमें मैंने क्या क्या रिसर्च की फाइनली मेरा पोर्टफोलियो शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है कि मेरे रिटर्न्स अभी करंट रिटर्न्स क्या है। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। और तो हाँ, हर इन्वेस्टमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और इस स्टोरी का जो एसेंस है, हमें हर कंपनी से प्यार होना चाहिए इस पोर्टफोलियो के लिए। तो हम बेसिकली जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें उस कंपनी से, उस बिजनेस से प्यार होना चाहिए। और ये याद रखिए कि हर कंपनी के पीछे जो स्टोरी है वो बदल सकती है, वो टाइम टाइम से बदलती है, क्योंकि किसी भी कंपनी का बिजनेस बदलता है, मार्केट बदलता है, कंपनी का मैनेजमेंट बदलता है। सो हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टोरी को रीएवैल्यूएट करना चाहिए जिसके पीछे हमने ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो मैं पर्सनली ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जो मैं, जिसके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ या मेरे जो नज़दीकी लोग हैं वो यूज़ करते हैं। ये इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत डिफ़िकल्ट कंज्यूमर टू प्लीज हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं एकदम बेयर मिनिमम चीज़ें यूज़ करता हूँ। और अगर कोई चीज़ मैं यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली मैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा मार्केट बाहर हो सकता है और बहुत अच्छा यूज़ हो रहा होगा वो प्रोडक्ट। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने कोई भी अपने दिन का एक रैंडम कोई भी अपने लाइफ का एक रैंडम दिन उठाया या फिर एक रैंडम वीक उठाया और उठा के मैंने सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया उस दिन में, मैं क्या क्या करता हूँ, उस हिसाब से मैंने अपना एक रूटीन रेट्रोस्पेक्ट किया और मैंने सोचा कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। और ये कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। सो मैंने एक ऐसे रैंडम दिन उठा लिया, और तो मैं सुबह उठता हूँ और सीधा वॉशरूम जाता हूँ, और वॉशरूम के बाद मैं अपने जो हाथ है वो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के लाइफबॉय हैंड वॉश से धोता हूँ। फिर वॉशरूम के बाद मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ, जिसमें मैं डाबर रेड टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ। ब्रश करने के बाद मैं चाय बनाता हूँ, चाय के लिए मैं नेस्ले का दूध यूज़ करता हूँ, और चाय पीते पीते मैं ब्रिटानिया का मारीगोल्ड बिस्किट ज़रूर खाता हूँ। फिर चाय पीने के बाद मैं अपना नाश्ता बनाता हूँ, पोहा मेरी एक बहुत फेवरेट डिश है, मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो टाटा संपन्न पोहा है वो यूज़ करता हूँ। फिर मेरे नाश्ता करने के बाद मैं नहाने जाता हूँ, नहाने के लिए मैं बालों के लिए हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू यूज़ करता हूँ जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का है। और नहाने के बाद फिर मैं अपनी जॉकी अंडरवेयर पहनता हूँ, कपड़े वगैरह पहन के अपनी टाइटन की घड़ी पहनता हूँ, और अपने बालों को तेल लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे आजकल बाल झड़ रहे हैं तो तेल लगाना ज़रूरी है। फिर ऑफिस के लिए निकलते वक्त मैं अपने बाटा के शूज़ पहनता हूँ, और अगर कैजुअल डे होगा ऑफिस में, जो कि फ्राइडे को होता है, मैं रिलैक्सो की स्लीपर्स यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी मैं ऑफिस चला गया, मैंने थोड़ा काम कर लिया ऑफिस में, और अभी लंच पे मैं अपने कलीग के साथ बैठा हुआ हूँ। तो मेरे काफ़ी कलीग जो है वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ कलीग्स ने HDFC म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ कलीग्स ने नाम इंडिया यानी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और अपने रिटर्न डिस्कस कर रहे हैं। फिर मेरे कुछ कलीग्स इंश्योरेंस के बारे में भी बात कर रहे थे, कुछ कलीग्स ने SBI लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस लिया हुआ है, कुछ कलीग्स ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस लिया हुआ है। और बेसिकली तो मेरा एक कलीग है, वो अभी क्या डिस्कस कर रहा है कि उसे एक नया कार लेना है, पर वो नया कार इतना महंगा है कि वो कुछ एक लोन यानी EMI पेमेंट जैसा एक लोन लेना चाह रहा है। और उसने एक दूसरे कलीग से सजेशन दिया कि वो बजाज फाइनेंस से लोन ले, और अपना, क्योंकि गाड़ी महंगी है तो डेफिनेटली ICICI लॉम्बार्ड से एक जनरल इंश्योरेंस करवा ले अपने कार के लिए। तो ये आ गया मेरे लंच टाइम तक। तो ये मेरी स्टोरी थी सुबह से लेके दोपहर तक, लंच टाइम तक,
इसमें मैंने काफ़ी सारे कंपनीज, काफ़ी सारे स्टॉक्स और उनके प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, और अभी मैं अगला पार्ट बनाऊंगा जल्दी ही, और उसमें अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूंगा और आगे का मेरा रिसर्च और मेरे रिटर्न्स के बारे में भी बात करूंगा। तो डेफिनेटली आप अगला पार्ट भी देखिएगा, और एज एन एक्सरसाइज मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अभी तक मैंने जो जो कंपनीज, अभी तक मैंने जो जो प्रोडक्ट्स कवर किए उसमें कौन सी लिस्टेड कंपनीज आती है, उनके जो सिंबल्स है वो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसे एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सही रहेगा। और थैंक यू दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली पार्ट टू के लिए वेट कीजिए, मैं उसका पार्ट अभी बनाऊँगा जल्दी ही। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम वीडियोस फिर और बनाते रहेंगे। अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें और मोटिवेशन आएगा कि ऐसे क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाए और आपके सामने लाए। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।